हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अब जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं उनको हम इफेक्शियस डिजीजेस भी कह सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस भी कह सकते हैं इन्फेक्शस का मतलब हो जाता है कि वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती हैं आसानी से और नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस वो होती हैं जो एक से दूसरे में आसानी से ट्रांसमिट नहीं होती है. तो इन्फेक्शस और कॉम्युनिकेबल डिजीज़ेस की बात करें तो ये होती हैं आपके बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस कोई बाहर से आके पैथोजन आपको अटैक करता है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हो सकता है या माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है माइक्रोस्कोपिक आपके बैक्टीरिया फंजाई या फिर वायरस हो जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक में आपके वर्म्स uh, हो जाते हैं तो नॉन इन्फेक्शस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती हैं वो होती हैं बाय द फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजेंस जैसे लाइफ स्टाइल हो सकती हैं आपकी ये या फिर आपको कोई इंटरनल डेफिशिएंसी है किसी न्यूट्रिशियस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो वो इसकी वजह से भी हो सकती हैं इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो ये एक्सट्रेंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं आपकी इंट्रेंसिक और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से इन्फेक्शस डिजीजेस का ट्रांसमिशन होता है थ्रू एयर वाटर या फिर किसी वेक्टर की वजह से जबकि नॉन इन्फेक्शस डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होता है इसमें क्या होता है बल्कि कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक फैल सकती हैं आ सकती हैं इन्फेक्शस डिजीजेस में कम्युनिटी हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है इससे हम काफ़ी हद तक इन्फेक्शस डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं जबकि नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस में कम्युनिटी हाइजीन का इतना रोल नहीं रहता है इन्फेक्शस डिजीजेस डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं जबकि नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो जाती हैं बात करें एग्जाम्पल्स की इन्फेक्शस डिजीजेस के तो वो आपके हो जाते हैं आपके न्यूमोनिया मलेरिया चिकन पॉक्स ट्यूबरकलोसिस कोलेरा कोल्ड कॉमन कोल्ड जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है आपका इन्फेक्शस डिजीज का नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके डायबिटीज़ hypertension have yeah, quite goiter so that's all for the day thank you so much.